गुंजन, सीमा दीदी को आंटी जी नहीं माँ कहकर पुकारा करो। माँ? ऐसे अचानक कैसे? क्यों नहीं बोल सकती? अरे मयंक को अपना सकती हूँ तो मयंक के रिश्तों को क्यों नहीं? एक्चुअली मेरे लिए ना बचपन से ही माँ का मतलब मम्मा। तो अभी अचानक से आपको माँ कहूंगी तो? सीमा, गुंजन को थोड़ा सा समय दो, ये भी अपना लेगी। अभी अभी तो इसकी शादी हुई है, इसे आदत नहीं है ना तुम्हें माँ बोलने की। पहले से आंटी बोलती आ रही है, अचानक से माँ बोलना, थोड़ा सा वक्त तो सब सीख जाएगी। ठीक है भाई, लेकिन हमें तो बोला गया था कि बहू को बेटी समझना। गुंजन बेटा, हमने तो तुम्हें बेटी बना लिया है, लेकिन तुम ही हो कि बहू से बेटी नहीं बनना चाहते। अब हम कर भी क्या सकते हैं? जा, नहीं उठा था। गुंजन, तुम क्या कर रहे हो? माँ? माँ नहीं, तुम्हारी क्वीन हूँ मैं, समझे? आंटी जी, वो एक्चुअली वो मैं के पैरों में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा मैं थोड़ा पैर दबा दूँ, तो इसलिए बस ये यही शर्ट ढूंढ रहे थे ना तुम? हाँ, ये लो। अगली बार कहीं भी दर्द हो ना तो जरा इलाज दरवाजा बंद करके करना। हे भगवान, इस लड़की को तो शर्म है नहीं, पर हम कहाँ जाएं? I'm sorry, मैं मुझे क्या पता था वो यहाँ खड़ी होंगी। अनीस, गुंजन ने क्या जादू किया है हमारे बेटे के दिलो दिमाग पर कि रानी बनकर बैठ गई। अपनी हर छोटी से छोटी चीज के लिए वो आप पे डिपेंडेंट रहता है। आपके हाथ की बनी हुई चाय, आपके हाथ का बना हुआ खाना, उसका कमरा, उसके कपड़े, हर चीज आप ही तो संभालते आई है ना? तो बस दीदी, इसी बात का फायदा उठाइए। और वो तो क्या है ना दीदी, नई नई शादी का बुखार है, उतरते देर नहीं लगेगी। फिर देखिएगा, वो समझ जाएगा कि माँ की जगह उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। हाँ संगीता, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम, है ना? और दीदी, आप तो आज तक मयंक को कंट्रोल करते आई हैं, हाँ अब थोड़ा ज्यादा कंट्रोल करिए। फिर देखिए, सबसे पहले सॉरी, और दूसरी बात यह है कि हम जी जान लगकर मेहनत करेंगे, ये तुमसे वादा है, पक्का प्रॉमिस। और तीसरी बात यह है कि हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हमें तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। दोस्त? सिर्फ दोस्त? और कुछ है? एक और बात कहनी है, मतलब हमारे पास एक आइडिया है। आज से हम दोनों पार्टनर्स बनेंगे, बिजनेस पार्टनर्स। हम डिजाइनिंग पर ध्यान देंगे और तुम मार्केटिंग में ध्यान देना। दोस्त तो है ही, क्यों? तो फिर डील पक्की? सोच लो, फिर मत बोलना। रिहान, तुम हर जगह मेरे साथ साथ मत आया करो, अन्य मेरा काम है नॉल। अगर मैंने एक बार हाथ पकड़ लिया तो फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे रिहान रुको, रिहान रुको, हमारी बैग। रुको रुको रुको, वाह, इट्स ब्यूटीफुल। अब इज दिस योर्स? जी। इट्स अमेजिंग, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? Rihan, wo... This is ours. I know. I just want to know where you got it from. I mean, it's lovely. It's a piece of art. She's the one. Designer Miss Rachna Garg. I mean, I'll buy it right here now. Jeevo... 500. Special price for a special customer. You know what? She's really good. She's a very good designer. She works with Indian craftsmen and it takes 4 days to create a beautiful piece like this. It's lovely.